सब्सक्राइब कर लीजिए अपने चैनल टेक ज्ञान पिटारा को और बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे प्रॉपर तरीके से पहुंचता रहे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि CP+DVR में माइक कैसे लगाया जाता है, कैसे लगाते हैं, है ना। आप CP+DVR में माइक कैसे लगाए इसके बारे में इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। और इस वीडियो में कंप्लीट मैं दिखाऊंगा आपको कि CP+DVR माइक कनेक्शन कैसे होता है ना। ये जो वायर निकला हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इनकी इनका कनेक्शन कैसे होता है DVR में, ठीक है। CP+DVR माइक कनेक्शन भी हम इस वीडियो में कंप्लीट सीखेंगे और DVR माइक इंस्टॉलेशन, ठीक है, जैसे ये माइक को हम कनेक्टिविटी करने के बाद इस DVR में कैसे इंस्टॉल करते हैं CP+ के लिए, है ना। एक कैमरा भी मैं लगा के दिखाऊंगा आपको और कंप्लीट इस वीडियो में मैं आपको माइक के बारे में बताऊंगा ताकि आप कहीं भी आप कैमरा लगाते हो, कहीं वहां का आवाज़ आपको सुनना है, उस रूम का आवाज़ सुनना है, तो यहाँ वहाँ पे आपको किस टाइप से आपको माइक इंस्टॉल कराना चाहिए, चाहे वो इंस्टॉलर हो चाहे आप खुद करना चाहो। दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल टेक ज्ञान पिटारा में फिर से एक बार। दोस्तों आपका जो प्यार हमें मिला है और आपने हमें 50,000 के माइल स्टोन 50,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दिया है, तो दोस्तों इसलिए आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद और आपका मैं हमेशा आभारी रहूंगा। और हमेशा अब फैमिली इतनी बड़ी हो चुकी है तो 100% मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँ और अच्छे से अच्छा वीडियो आपके लिए डिलीवर करूँ टेक्नोलॉजी पर, और CCTV कैमरे के हर एक कंटेंट पे मैं वीडियो बनाऊं ताकि आपका जो भी प्रॉब्लम है फटाफट सॉल्व हो जाए। दोस्तों मैंने रिसेंटली टेक ज्ञान पिटारा का जो टेक्निकल नंबर है आपसे शेयर किया था, उस पर आपका बहुत ज़्यादा कॉल आ रहा है और बहुत ज़्यादा आप लोग व्हाट्सअप कर रहे हो अपने प्रॉब्लम को, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है फिर से इस वीडियो में मैं बताता हूँ, 9098624851। दोस्तों इस नंबर पे जब भी आपको सपोर्ट चाहिए रहेगा, तो आपको जो भी कैमरे का सपोर्ट चाहिए है ना, जैसे इस कैमरे के बारे में पूछना है तो आपको ये वाला फोटो आपको भेजना रहता है, ठीक है। देखिए ये मॉडल नंबर वाला है ना, ये मॉडल नंबर को आपको भेजना पड़ेगा फोटो खींच के व्हाट्सअप पे, है ना, व्हाट्सअप नंबर जो मैं स्क्रीन में दिख रहा होगा, है ना। और या तो DVR के बारे में पूछना है तो DVR के पीछे में देखिए दोस्तों ये सीरियल नंबर और मॉडल नंबर लिखा रहता है, इसका फोटो मेरे को आप व्हाट्सअप करेंगे तब टेक्निकल टीम की टेक ज्ञान पिटारा की टीम डायरेक्ट आपको कॉल करेगी, या तो आप जब कॉल करेंगे तो आपको सॉल्यूशन फटाफट मिलेगा, क्योंकि बहुत लोग हैं जो कॉल करते हैं और तीन ये। चलिए दोस्तों अपने वीडियो में फिर से आते हैं और मैं आज आपको माइक के बारे में बताने वाला हूँ। ये है बॉल माइक, है ना, कुछ इस टाइप के, देखिए कुछ डिटेल है इस माइक का, है ना, इस टाइप के कवर में ये आता है ना। और इस वाले माइक को इस DVR में लगाने के लिए इस टाइप का, देखिए दोस्तों ये यहाँ पे रहता है ऑडियो इन, है ना, आपको ऑडियो यहाँ से इन करना है और यहाँ से करना है आउट। यहाँ पे आपके ये वाला कनेक्शन आपके बॉक्स में जाएगा जहाँ से आपको आवाज़ सुनाई देंगे, बट मैं आपको डायरेक्ट HDMI केबल के थ्रू दिखाऊंगा कि कैसे आप सिर्फ माइक को आप इन करेंगे अपने DVR में और HDMI डिस्प्ले के थ्रू डायरेक्ट आप आवाज़ सुन सकते हैं TV में। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक TV है, मैं इसी में आपको दिखाऊंगा कंप्लीट लगा के कैमरे को, है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। इसे समझाने के लिए मैं एक माइक लिया हूँ और ये RCPin है दोस्तों, देखिए यही इस इंस्टॉलेशन बहुत ज़्यादा अहम है। देखिए यहाँ पे जो इन है यहीं पे ये लगेगा, ये कुछ इस तरह से लगेगा, ये देखिए, ठीक है। अब आपको आउट ले जाना है, कहीं स्पीकर में आवाज़ सुनना है तो यहाँ से आउट ले जाके दूसरा एक AV पिन यहाँ जोड़ के वो आप स्पीकर में डाल देंगे तो स्पीकर में आपका आवाज़ आ जाएगा। कैसे आएगा मैं बताऊंगा आपको कंप्लीट इस वीडियो में, मैं आपको समझा बस रहा हूँ कि अभी ये माइक मैंने यूज़ किया है, ये RC पिन बोलते हैं, AV पिन या RC पिन जो भी है, और ये एक प्रकार का माइक और होता है जो पहले हम यूज़ करते थे या तो अभी भी इंस्टॉलर कोई यूज़ करता है इस टाइप का माइक, है ना, कहीं आपके घर में भी लगा होगा तो इसी टाइप के कुछ माइक लगे होंगे, या ये लगा होगा या तो ये वाला लगा होगा। चलिए फटाफट इसका इंस्टॉलेशन सीखते हैं। सबसे पहले इस DVR को चालू कर लेता हूँ, इसमें कैमरा ऑन करता हूँ, है ना, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैमरे की वायरिंग में आप इसे कैसे लगा के उस कमरे पे जहाँ पे कैमरा लगा है या किसी जगह का जहाँ आपको आवाज़ सुनना है वहाँ पर आप इस माइक को कैसे लगाओगे, चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों मैंने इसे चालू किया और एक HDMI केबल, है ना, HDMI जो TV के लिए डिस्प्ले है वो मैंने TV में लगाया है और मेरा जो मॉनिटर है वो हो गया स्टार्ट, ठीक है।
ये हो गया डीवीआर स्टार्ट। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ इसमें कैसे ऑन करते हैं। चलिए दोस्तों हमारा डीवीआर हो गया स्टार्ट, ये देखिए ये डीवीआर हो गया स्टार्ट है ना। अब मैं आपको माइक का इंस्टॉलेशन बताता हूँ। सबसे पहले तो मान के चलो ये डीवीआर में मेरे को एक कैमरा लगाना है, ठीक है। ये कैमरा यहाँ पे लगा है, मान के चलो डीवीआर से 20 मीटर 30 मीटर की दूरी में किसी दूसरे रूम में लगा हुआ है ये कैमरा, ठीक है, बात को समझना है ना। ये दूर में लगा हुआ है कैमरा, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे की वायरिंग करेंगे डीवीआर से कैमरे के पास, ठीक है। ये तो वायरिंग करना ही पड़ेगा कैमरे के लिए आपको, है ना। तो कैमरे का जब वायरिंग आप डीवीआर से कैमरे के पास ले जाओगे तो आपको इस टाइप का छोर मिलेंगे डीवीआर के पास, ठीक है। और ये डीवीआर के पास मिलेगा, ये कैमरे के पास मिलेगा। जब कैमरे के पास आप इसको छीलोगे है ना, तो यहाँ पे आपको 3+1 वायर है सीपी प्लस का, ठीक है। इसमें ये येलो वायर है, ठीक है, और ये रेड है, ये सीमेंट कलर का वायर है। तो मैं इसे इसमें लगाऊंगा मैं इसको डीसी पिन, कैमरे के लिए डीसी पिन लगाऊंगा यहाँ पावर देने के लिए, और यहाँ पे लगा दूंगा मैं बीएनसी, ठीक है। जैसा मैं हर वीडियो में बताया हूँ कि बीएनसी कैसे लगाते हैं, ठीक है। कहीं बीएनसी लगाना सीखना है तो मेरे पुराने वीडियो को देख सकते हो, और मेरे सभी वीडियो को देखने के लिए बहुत सारा टॉपिक में मैं वीडियो बना के रख चुका हूँ, है ना। कॉमन हर एक टॉपिक में वीडियो बना हुआ है। अब वीडियो देखने के लिए एक ही जगह में वीडियो देखने के लिए हमारा जो वेबसाइट है www.techgyanpitara.in, तुरंत आप देख सकते हैं इस वीडियो के बाद, वहां पे बहुत सारे वीडियो आपको दिख जाएंगे, ठीक है। दोस्तों यहां पे मैं लगा दूंगा डीसी पिन और यहां पे लगा दूंगा बीएनसी पिन, और उसको लगा दूंगा मैं कैमरे के पास, ठीक है। ये कैमरे के पास की इंस्टॉलेशन खत्म हो गया है, बट एक वायर बच जाता है येलो कलर का, ठीक है। प्लस वन वायर में हमेशा देखना एक वायर आपका बच जाता है जिसको आप काट देते हो, कोई भी एक कलर का है। इस वायर में येलो कलर का है, तो मैं इस येलो कलर को यूज करूंगा माइक के लिए। इस येलो कलर में मैं माइक कैसे लगाता हूं, है ना। वीडियो बहुत ध्यान से देखो, बहुत ही ज्यादा ट्रिकी है ये वाला वीडियो, है ना। इतना आसान नहीं है समझाना ये सब चीजों को, है ना। तो भी मैं कोशिश करूंगा बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाऊं ये सब चीज के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया कैमरे के पास, ठीक है। मैं इसमें फटाफट डीसी लगा देता हूं और एक बीएनसी लगा देता हूं, है ना। उसके बाद मैं माइक का आपको बताऊंगा, ठीक है। और डीवीआर के पास जब आएंगे तो भी यहां पे आप जब छिलेंगे तो आपको इस टाइप का मिलेगा यहां भी, तो यहां पे हम बीएनसी लगा देंगे, है ना। बीएनसी लगा के हम इसे डीवीआर में लगा के कैमरा सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, और यहां पे डीवीआर के पास से यहां देंगे हम पावर कैमरे को, ठीक है। फिर ये कैमरे पे पावर चालू हो जाएगा, और हमारा कैमरा को सबसे पहले हम चालू करेंगे और देखेंगे कि कैमरा हमारा उस डीवीआर में चालू हुआ है कि नहीं, ठीक है। चलिए दोस्तों फटाफट मैं बीएनसी लगा के दिखा देता हूं आपको। दोस्तों मैंने एक छोर पे ये देखिए एक येलो वाले वायर को छोड़ के, ठीक है, यहाँ पे मैंने डीसी वायर लगा दिया है पावर के लिए कैमरे के लिए, और यहाँ पे मैं बीएनसी लगाया हूँ। अब देखिए ये कैमरे के पास मैं ये बीएनसी लगा देता हूँ, है ना। ये बीएनसी मैं कैमरे के पास लगा देता हूँ, है ना, और ये लगा दिया मैं पावर कैमरे के पास, ठीक है। अब मेरे को यहाँ इसी कैमरे के पास एक माइक भी लगाना है, तो ये माइक के लिए देखिए मैं येलो वाला वायर छोड़ के रखा हूँ, है ना। आप ध्यान दे दीजिए दोस्तों वीडियो में, और देखिए डीवीआर के पास मैंने जो वायर आया है सेम कैमरे का, तो यहाँ भी मैंने ये लगाया है बीएनसी, और यहाँ पे मैं इसके फर्स्ट नंबर पे ये है, ये आपका देखो नंबरिंग लिखा हुआ है, और ये है फर्स्ट नंबर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये फर्स्ट नंबर पे मैं लगा देता हूँ। दोस्तों याद रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है, जिस कैमरे में वायरिंग आप माइक लगाओगे या जिस कैमरे का फुटेज का आपको आवाज़ सुनना है, उस कैमरे का बीएनसी को आपको एक नंबर में लगाना है, क्या समझे। जहाँ पे माइक लगा है और उस कैमरे का बीएनसी को हमें डीवीआर में एक नंबर पे लगाना है, सिंगल नंबर पे। सेकेंड नंबर पे लगाओगे तो आपको आवाज नहीं आएगा, ठीक है, थर्ड में फोर्थ में नहीं आने वाला, फर्स्ट नंबर पे ही आपका ऑडियो। दोस्तों 2 सेकंड रुकिए और वीडियो लाइक जरूर करें, लाइक करिए और आगे बढ़िए, ऑडियो वर्क करता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है मैं बता दिया। अब उसके बाद देखिए दोस्तों डीवीआर के पास हमको पावर देना रहता है, ठीक है। यहाँ पे मैं छिल देता हूँ इसको, है ना, तो और यहाँ पे मैं इसको पावर देता हूँ, ठीक है। देखिए अभी चालू हुआ नहीं है ये कैमरा, देखिए अभी कैमरा चालू नहीं हुआ है, ठीक है। अब मैं जैसे ही इसको पावर दूंगा, मैं पावर के लिए देखिए 2 एम्पियर के अडॉप्टर यूज़ किया हूँ, है ना, ईआरडी का,
एक कैमरा है करके, गाड़ी का पावर सप्लाई है, ठीक है। इसके एक छोर पे मैं इस टाइप का फीमेल वाला लगा दिया हूँ, है ना, जिससे मुझे प्लस माइनस मिल गया है। अब मैं ईआरडी के पावर सप्लाई को चालू करता हूँ और देखिए मैं यहाँ पे जैसी पावर देता हूँ, यहाँ पे देखिए ये डीवीआर के प्लस के पास मैं प्लस जोड़ता हूँ, ठीक है। आप इस तरह से बिल्कुल मत करिए दोस्तों, है ना, ये थोड़ा सा टेप वेप लगा के ही काम करिए, है ना। मैं आपको समझाने के लिए बस ऐसा दिखा रहा हूँ, कहीं प्लस माइनस आपका जॉइंट होता है तो आपको प्रॉप चिंगारी जैसा कुछ चीज़ निकलेगा, है ना, इसलिए प्लस माइनस जॉइंट मत होने दीजिए यहाँ पे। ये मैं दिखाने के लिए बस आपको, ये देखिए आपका कैमरा चालू हो गया यहाँ पे, है ना, यहाँ पे पावर देते हो, ठीक है, डीवीआर के पास। अभी तक तो कोई बड़ा चीज़ मैंने अभी तक नहीं बताया, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बताया हूँ, जिस वायर में आपको माइक लगा है, ठीक है, और एक ही वायर इसमें एक ही इनपुट है तो एक ही माइक लगेगा, ठीक है, एक इनपुट है तो एक माइक लगेगा, ठीक है। अब इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, जहां जिस वायर में आपका माइक लगेगा, ठीक है, जिस वायर में आपका माइक लगेगा या जिस कैमरे के वायर में आपको देखना है, सुनना है आवाज, उस वायर का जो बीएनसी है उसको हमें एक नंबर में डालना है, ठीक है। जो इंस्टॉल करता है सीसीटीवी कैमरा उसको समझ में आ रहा होगा, कहीं आपको इंस्टॉलेशन नहीं आता है तो मेरे पुराने वीडियो को आप देखिए, उससे आपको इतने क्लियर हो जाएगा जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, है ना। इस वायर में कहीं माइक लगा है तो ये वाला वायर का जो डीवीआर के बाद जो आएगा उसमें बीएनसी में लगाऊंगा, तो एक नंबर पर लगाना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। और ये तो नॉर्मल सा कोई भी लगा देगा ये वायर को, ये डीवीआर के पास, और ये पावर लगा के चालू तो कोई भी कर देगा, ठीक है। बट ये जो दो वायर बचे हैं, एक कैमरे के पास और एक ये डीवीआर के पास, ठीक है। अब यहां पे, ठीक है, कैमरे ये जो इस जो माइक में है, ये जो माइक है इसमें तीन वायर निकले रहते हैं, ठीक है, चाहे ये वाला माइक बोले चाहे ये वाला माइक बोले, है ना, कोई सा भी माइक ले लो, है ना। इसमें जो येलो कलर का है, ये इसमें वाइट कलर का है, ये माइक का मेन वायर है, वाइट वाला, ठीक है। और ये तो पावर के लिए प्लस माइनस, इसमें भी ब्लैक और रेड, ये आपका पावर के लिए है और ये आपका माइक का मेन केबल है, समझ में आया, ठीक है। चलिए मैं दिखाता हूँ कि अब इसको मैं छीलता हूँ, है ना, ये देखिए इसको मैं छीलता हूँ, है ना, और यहाँ से ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस वायर में अपने को पावर देना है, और पावर कौन सा देना है, वो कैमरे का ही पावर देना है, ठीक है, कैमरे का ही पावर देना है आपको, है ना। इसमें भी तो यहाँ पे जो वायर जुड़ा हुआ है, देखिए मैं जो डीसी लगाया हूँ, है ना, ये यहाँ पे जो मैं डीसी लगाया हूँ कैमरे के लिए, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऐसा, है ना, कैमरे के लिए जो मैं डीसी लगाया हूँ, है ना, इसी में यहीं पे पंचर करके या तो इसी के साथ में हम यहाँ पे पावर दे सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पे हम ऐसा पावर जोड़ सकते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे ये पावर चले गया, ये देखिए, ठीक है, यहीं पे हम पावर जोड़ सकते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा जो माइक का वायर है मेन, इस वाले वायर को हमको जोड़ना है येलो वाले में, आया समझ में, ये इंपॉर्टेंट चीज़ था दोस्तों। इसके बारे में थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन मत रखना, ये कैमरे के पास की सेटिंग बता रहा हूँ मैं, ना डीवीआर के बाद का अभी नहीं बताया हूँ। अभी इन वायर में जो ग्रीन वायर है उसको मैं येलो में डाल दिया हूँ, जो जिसको मैं छोड़ के रखा था, है ना, और यहाँ पे मैं पावर दे दिया हूँ इस माइक को, ठीक है। ये तो कैमरे के पास का काम खत्म हो गया, ये कैमरा मान के चलो 20 मीटर दूर में रखा है, यहाँ पे कैमरे का काम माइक का काम हो गया खत्म, यहाँ पे हमने माइक लगा दिया है, इसका आवाज़ खत्म हो गया, ठीक है, यानी इसका काम खत्म हो गया। अब हम आ जाते हैं डीवीआर के पास, ठीक है। अब डीवीआर के पास भी आते हैं तब भी हमें ये येलो वाला वायर मिलते हैं है ना, और मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में दिखाया था ये एवी पिन, ठीक है, आरसी पिन या एवी पिन यहाँ पे लगा के दिखाया था ना आपको वीडियो में के स्टार्ट में। अब इस वायर को जब हम छीलते हैं, ठीक है, ये ब्लैक वाला माइनस, ये वाला प्लस, ये वाला जो प्लस है वाइट वाला, है ना, यहीं पे हमको मेन जो येलो वायर आ रहा है उसको जोड़ना है, ये येलो वाला वायर, ठीक है, देखिए, है ना, अब ये तो हो गया प्लस, ठीक है। अब देखिए ये बच गया माइनस, अभी माइनस कहीं तो देना है आपको। ये सबसे इम्पॉर्टेंट और अहम रोल है हमारे वीडियो में, है ना, हमारे जो माइक कनेक्शन है। देखिए प्लस तो हमको मिल गया,
यहां से कैमरे के पास से जो येलो वाला वायर आया उसको प्लस में डाल दिया, माइनस क्या दे? माइनस आपको पावर का जो माइनस है वो माइनस को आपको इसमें देना है, कैसे भी देना है। ठीक है, मान के चलिए देखिए मैं माइनस को यहां से जोड़ देता हूं, ठीक है ऐसा, नहीं तो आप आपके पास कहीं पास में नहीं है, वरना इस टाइप का छोटा सा वायर आप कहीं से भी निकाल के, तो मैं ये देखो माइनस में लगा देता हूँ, है ना, ये छोर को मैं माइनस पे लगा देता हूँ, ये येलो वायर जोड़ा हूँ, है ना, कोई भी कलर का वायर जोड़ सकते हो आप, है ना, माइनस पावर का माइनस जाएगा आपके एवी पिन में। ठीक है, देखिए एवी के माइनस में पावर का माइनस है, समझ में, और भी समझाता हूँ अच्छे से। अब इसको इसको आपको यहाँ पे देखिए ऑडियो इन लिखा हुआ है, ठीक है, ऑडियो इन में डाल देना है। देखिए मैं ऑडियो इन में डाल दिया हूँ, ठीक है, क्या करना है दोस्तों आपको, अब थोड़ा सा मैं ब्रीफ दिखाता हूँ, समझाता हूँ। देखिए कैमरे के पास मैंने जो लगाया है येलो वायर को, ये माइक के मेन वायर में लगाया है और माइक को पावर दे दिया है, ठीक है, वही जो कैमरे का पावर है उसी को उसी में पंचर करके यहाँ पे पावर दे दिया है। ठीक है, अब ये येलो वायर आता है डीवीआर के पास, ठीक है, ये वाला प्लस है तो ये एवी के प्लस में लग जाएगा, आरसी पिन के प्लस में लग जाएगा, और माइनस आपको देना है पावर का माइनस। ठीक है, समझ में आ गया, ये हो गया आपका डीवीआर माइक इंस्टॉलेशन। ठीक है, डीवीआर माइक इंस्टॉलेशन हो गया, सीपी प्लस डीवीआर माइक कनेक्शन जो मैं बताया हूं ऐसा ही करना है, चाहे वो हिकविजन में हो, ट्रू व्यू हो, या दुनिया में कोई भी कंपनी का होगा डीवीआर, उसमें माइक का इंस्टॉलेशन कुछ इसी प्रकार से होता है ना, नॉर्मली सीपी प्लस, धौआ, पैनासोनिक, हिकविजन में इसी टाइप का आप करोगे, है ना। सीपी प्लस डीवीआर में माइक कैसे लगाए दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, है ना, डीवीआर माइक इंस्टॉलेशन समझ में आ गया ना। अब आपको जो सेटिंग करना है वो है डीवीआर में, ठीक है, वो सेटिंग मैं आपको समझाता हूँ। चालू हो गया है ना, अब मैं डबल क्लिक करके इसको बड़ा कर सकते हैं, और जब डबल क्लिक करके बड़ा करेंगे तभी आवाज आता है आपका। और डीवीआर में ये सेटिंग करना है माइक के लिए, देखिए मैं दिखाता हूँ, राइट क्लिक करके मेन मेनू में जाना है, पहले आपको जाना है एनकोड में, ठीक है, देखिए डीवीआर में आपको सेटिंग क्या करना है दोस्तों, राइट क्लिक करना है, मेन मेनू में जाना है, सीपी प्लस के डीवीआर में माइक इंस्टॉलेशन में आपको करना है, एनकोड में जाना है। ठीक है, देखिए देखो दोस्तों यहाँ पे लिखा है ऑडियो वीडियो, ठीक है, ये है ऑडियो वीडियो, देखो ऑडियो और वीडियो लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे ऑडियो वीडियो, थोड़ा सा पास ले जाऊं वहां पे, हाँ बस, ठीक है, देखिए दोस्तों ये लिखा है ऑडियो वीडियो, यहाँ पे हमें इसे ऑन करना है और यहाँ पे ऑन करना है, ठीक है, ये दोनों को ऑन करना है, देखिए ऑफ रहता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो रेड हो जाता है, इसे रेड करके इसे करना है अप्लाई और सेव। ये हो गया डीवीआर का सेटिंग, और जैसे ही आप इसे डबल क्लिक करेंगे आपका माइक काम करने लगेगा। हेलो हेलो, आया समझ में दोस्तों, हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो हेलो, है ना। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने माइक पे, अपने कैमरे पे माइक इंस्टॉल कर सकते हो, और जहां जहां का भी आवाज आपको सुनना है, है ना, जहां पे आपका कस्टमर डील हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम है, या आपके शॉप में कहीं कैमरा लगा है, तो वहां पे आप माइक लगा के सिंपली तरीके से जैसा मैं बताया हूं वैसा आप माइक को इंस्टॉल करके आवाज सुन सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों जब भी आप छोटा करेंगे तो आवाज नहीं आएगा, देखिए आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है, आवाज गूंज रहा है, नहीं गूंज रहा, जैसे आप कैमरा बड़ा करेंगे, चारों कैमरा दिखाना ऊपर पीछे का, हाँ जैसे कैमरा आप बड़ा करेंगे देखिए आवाज आएगा, हेलो हेलो, आया समझ में दोस्तों, यानी जैसे आप पहले कैमरे को बड़ा करेंगे देखिए दूसरे कैमरे को बड़ा करने से आवाज नहीं आएगा, हेलो हेलो हेलो, ठीक है, इस पे कोई आवाज नहीं आने वाला। ठीक है, इसीलिए मैं बोला कि कैमरा जहां पे माइक लगा है उस कैमरे का बीएनसी को आपको एक नंबर में डालना है, और एक नंबर को जैसे आप बड़ा करोगे डबल क्लिक करके तो दोस्तों आपका आवाज स्टार्ट हो जाएगा माइक का। दोस्तों अभी मैंने HDMI केबल के थ्रू टीवी पे दिखाया है, टीवी में इनबिल्ट ऑडियो रहता है और ये HDMI केबल जो रहता है वो ऑडियो वीडियो रहता है। ठीक है, इसलिए मैंने वीडियो आउट का यूज नहीं किया है, डायरेक्ट टीवी पे आपको कैमरा नंबर वन बड़ा किए तो आपको इस माइक का आवाज आ गया, बट मॉनिटर के लिए आपको या मॉनिटर पे कहीं आप देखेंगे तो आपको ऑडियो आउट निकाल के किसी स्पीकर में लगाना पड़ेगा, कहीं आवाज सुनना है। ठीक है, बट मोबाइल में तो डायरेक्ट आप जैसे आप जीसी मोड में कैमरा ओपन कर तो यहाँ पे जैसे आप ऑडियो में क्लिक करेंगे देखिए आपका ऑडियो ऑन हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से ऑडियो बंद कर देता हूँ। ठीक, ऑडियो आउट तो आपको निकालना पड़ेगा जब आप वीजे के थ्रू देखेंगे टीवी में,
ठीक है। टीवी में कभी भी देखना है तो HDMI के थ्रू देखना है, तो आपको ऑडियो आउट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों ये वीडियो आपको लगा कैसा है मुझे कमेंट के जरिए बता देना, और लाइक करके बता दीजिए कि वीडियो आपको अच्छा लगा है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, आगे वीडियो में और भी अच्छे कंटेंट के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।